हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रवीण, आपका दोस्त और होस्ट। फिलहाल क्या है कि अभी व्हाट्सएप को डिजी लॉकर की तरफ से एक्सेस मिल चुका है। वहां से आप अपने कोई भी फाइल्स को, जैसे पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं इजीली एकदम। आपको सिर्फ क्या करना है, आपको अपने कॉल में 9013151515 पे आपको मैसेज भेजना है, नमस्कार, या फिर डिजी लॉकर अगर डालना है आपको, वहाँ पे आपको एक दूसरा इस तरह का आपको मैसेज मिलेगा। मैसेज मिलने आपको बोलेगा आपको डिजी लॉकर जाना है या फिर कोई सर्विस चाहिए, तो आपको डिजी लॉकर ओके करना है। ओके करना है आपको, यहाँ पे पूछा जाएगा कि आपको यहाँ पे आपका अकाउंट है, येस या नो, तो आप जो भी आपका रिप्लाई आप दे सकते हैं। जैसे मेरा अकाउंट है तो मैं यहाँ पे फिलहाल एस यस डाल दूंगा। तो हम ये क्या है कि गवर्नमेंट ने फिलहाल अभी एक्सेस दिया था कि आप डिजी लॉकर बार बार डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है आपको, आप यहाँ से सब कुछ आप कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। तो देख सकते हैं मैंने येस करना है, मुझे एक यहाँ पे एक लिंक मिला है डिजी लॉकर का। वहाँ से हम ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको क्रोम में लेके जाएगा जाएगा, और ये क्रोम में लेके जाते ही आपको आपका डिजी लॉकर का एक ऐप खुल जाएगा। वहाँ पे आपको क्या करना है, वहाँ पे आपको 12 नंबर, आपके जो 12 नंबर के डिजिट्स होते हैं जो आधार कार्ड्स के, वो आपको डालना है जिससे आप लिंक किए हैं डिजी लॉकर में। तो हम क्या करेंगे, हम ये फिलहाल ये डाल देते हैं यहाँ पर, मेरे आधार कार्ड का नंबर डाल देता हूँ मैं। ये क्या है, क्या है कि अपने को बहुत ही ईजी करने के लिए चीज़ बनाया गया है, ताकि हम बहुत से ईजी से अपने चीज़ों को आप तुरंत एक्सेस कर सकते हैं। क्योंकि बहुत बार क्या होता है, हम डिजी लॉकर का भी फॉर्म फॉर्मेट कर देते हैं, डिजी लॉकर कहीं डाउनलोड करना भूल जाते हैं, तो इमरजेंसी में आप क्या करोगे, तो इमरजेंसी में आप डाउनलोड करते बैठे हुए नहीं, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से अपने आप एक्सेस ले सकते हैं। तो क्या करें, देखो मैंने डाल दिया था मैंने अपने आधार कार्ड, तो यहाँ पे जो मेरा आधार कार्ड से फ़ोन नंबर लिंक है, वहाँ पे एक OTP आ चुका है। तो OTP के डालते ही अब मैं ये मैं सबमिट कर दूंगा। तो यहाँ पे एक सब डाल देता हूँ, और इसका सर्विस इतनी फास्ट है कि तुरंत आपको यहाँ पे एक्सेस मिल जाता है। तो देख सकते हैं मेरा अकाउंट खुल चुका है, या मैं अकाउंट ओपन कर देता हूँ। यहाँ पे देखो, देख सकते हैं मेरा आधार कार्ड ही है फिलहाल, बर्क ब्लर क्या हो, क्योंकि फिर प्राइवेसी की चीज़ है, इसे किसी को हम शो नहीं कर सकते, तो ब्लर क्या है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, आप यहाँ पे आप डाउनलोड कॉपी, या फिर आपको इमेज डाउनलोड करना है, कॉपी करना है प्रीवियस इमेज, तो ऐसा आप देख सकते हैं यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहीं से आपको अब डिजी लॉकर ऐप डाउनलोड करने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी, और ये बहुत ही एकदम इजी है। आप यहाँ से ऐसा फिलहाल ये नहीं कि खाली आप आधार कार्ड या पैन कार्ड ही डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ पे आप अपने पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, या फिर आपके 10वीं पास का सर्टिफिकेट है, या फिर 12वीं पास का सर्टिफिकेट है, जीवन बीमा पॉलिसी का जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स है, वो आप यहाँ से कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपके जो बहुत सारे लिविंग और नॉन लिविंग जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स है, वो आप यहाँ पे सेव कर सकते हैं डिजी लॉकर में। डिजी लॉकर में सेव करने का तो क्या है कि आपके यहाँ से आप इजीली आप ना व्हाट्सएप से डाउनलोड करके आप कर सकते हैं, जो कि बहुत ही इजी और एकदम सिस्टमेटिक होता है। तो ये मुझे लगता है आप बहुत काम का चीज़ जो गवर्नमेंट ने फिलहाल एक्सेस दिया है, अच्छा किया है, क्योंकि एक व्हाट्सएप ऐसी प्राइवेसी चीज़ है जो कि एंड टू एंड क्रिप्टेड है। आपको कोई चीज़ का डर नहीं कि कोई हमारा व्हाट्सएप हैक कर लेगा, तो ये तो बहुत ही एकदम चेक करने के बाद, सब कुछ होने के बाद फिर एक्सेस दिया गया है। क्योंकि वैसा कोई भी बड़ी चीज़ को छोटे छोटे चीज़ों ऐप में एक्सेस नहीं दे सकते हम। फिलहाल व्हाट्सएप एक फेसबुक का हिस्सा है, तो सबसे इनको भरोसा हो चुका है कि भाई यहाँ पे एक्सेस आपको इजीली मिल सकता है। तो यहाँ पे एक्सेस एकदम इजीली दे चुके हैं। फिलहाल हम क्या करें, यहाँ पे हमको फिर से आधार कार्ड का पूछा कि आधार कार्ड डाला मैंने यहाँ पर, तो आधार कार्ड पूछा, मैं चेक करा था कि आधार कार्ड डालने से यहाँ पे आधार कार्ड का फोटो आता है क्या, तो उन्होंने पूछा है कि आधार कार्ड का नंबर डालो, तो हमने वहाँ पर नंबर डाल दिया है यहाँ पर। तो ये वापस OTP आएगा, OTP डाल देते हैं, क्योंकि कैसा होता है बहुत बार अलग तरीके से चेक किया जाता है कि कैसे एक वर्क करता है। तो मैंने पहले चेक किया था, लिंक पे चेक किया था, अभी हम यहाँ पे व्हाट्सएप पे चेक करेंगे। तो हम व्हाट्सएप पे हमारे फिर से एक OTP आ गया है, हम फिर से यहाँ पे डाल देते हैं, तो OTP डाल देते हैं यहाँ पर। अभी OTP डालने का क्या देखते हैं, ये देखा जाएगा, क्योंकि ये चीज़ बहुत ज़रूरी होती है कि एक लिंक से काम करता है और दूसरा काम करता है व्हाट्सएप पे। तो व्हाट्सएप से फिर से ये लिंक क्या है लिखा है, मेन मेनू देखने के लिए मेनू टाइप करें, या फिर लिखा है इसमें, क्षमा करें हमारा सर्वर इस समय जवाब नहीं दे रहा है, आप बाद में पुनः प्रयास करें, आप लिंक पर भी लॉगिन कर सकते हैं। जो जैसे कि आप देख सकते हैं कि वापस ये बताया गया, मैं सोचा कि कहीं ना कहीं व्हाट्सअप डायरेक्टली आप पे अपना आधार कार्ड शो कर ले, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि सर्वर अप डाउन डाउन होने से उन्होंने कहा है कि आप यहाँ पर लिंक पर जाके आप डिजी लॉकर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये एक सेकेंड स्टेप भी मैंने आपको बता दिया है कि बहुत ही ईजी दो स्टेप्स है, जहाँ पे आप इजीली अपने पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, या फिर आप आपके पॉलिसीज़ है जो कि आप रखते हैं अपने पास, या फिर जो भी डॉक्यूमेंट्स आप सेफ की तरह रखते हैं, डिजी लॉकर एक ऐसा सेफ ऐप है जहाँ पे आप अपने आपके कोई भी चीज़ को आप सेफ रख सकते हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी, ऐसे भी बहुत सारे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मेरे चैनल का नाम डिकॉन टेक है, वहाँ पर आपको बहुत सारे अच्छे
ऐप्स के बारे में रिव्यू, या फिर आप कोई भी टिप्स और ट्रिक्स मिल सकते हैं वहाँ पर। यूट्यूब के बारे में बहुत सारी सेटिंग मिलेगी आपको, तो उम्मीद आपको वीडियो पसंद आएगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर किया। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।